है कि जब हम कश्मीर से निकले थे तब भी जो हमारा एक उसूल था आपस में कि संतनगढ़ बहुत अच्छी जगह है और वाकई यहाँ पे झरने भी हैं, पहाड़ भी हैं, बर्फ भी है। रहमतुल्लाहि व बरकातहु। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। हम आज घर में थे लेकिन अभी हम 1 बजे से आ गए थे यहाँ टक्सुम सिंथन टॉप के लिए, तो जाकिर भैया था साथ में, तो इंशाल्लाह अभी पहुँच गए हम यहाँ थोड़ा। तो चलो अभी बमपत्री दिखाएंगे थोड़ा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत टूरिस्ट रुकते हैं इस वक्त, तो वो चाय वाय मैगी वैगी यहाँ पे लेते हैं। लेकिन हम टूरिस्टों से थोड़ा बहुत जानेंगे आज कि अभी जो सिंथन टॉप टक्सुम है उसको आप रेटिंग कितना देते हो, तो आप लोग बने रहना। तो यहाँ पे बहुत टूरिस्ट, अभी आप व्यू दिखाएंगे लेकिन किसी टूरिस्ट के साथ परमिशन ले लेंगे, उसके साथ बात करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन तब तक आप देख लीजिए हमारा ये व्लॉग छोटा मोटा, तो इसको शेयर भी करना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहना। तो चलो अभी दिखाएंगे। तो हाँ जी गाइज, ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था आपको कि जस्ट कि कितने टूरिस्ट है यहाँ पे, तो अभी देखो यहाँ पे कितने आ गए। अभी तो बहुत सारे टूरिस्ट रुके हैं यहाँ पे, ये गाड़ियाँ हैं कुछ, तो अभी देखो यहाँ का व्यू ज़बरदस्त बमपत्री में। तो अभी देखो यहाँ पे जाकिर भैया की गाड़ी, तो यहाँ पे रुके हैं मैगी खा के। जब ये मैगी ख़त्म करेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों से बात कराएंगे। ये राज़ी हो गए और इन्होंने बताया था कि हम अभी बात करवाएंगे। तो ये आप देख सकते हो पॉइंट। तो यहाँ पे देखो झरना अभी जो नीचे आ रहा है वहाँ पे पानी, तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है अभी, ज़बरदस्त व्यू जनाब, ये खुद आप देख सकते हो, क्योंकि हम क्या बताएंगे आप सब दोस्तों को। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए अभी वहाँ नीचे तक बहुत टूरिस्ट चले गए अभी, तो ये भी जा रहे हैं, ये आप देख सकते हो। अभी जूम करके थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाएंगे तो कितने टूरिस्ट हैं अभी, ये देखो अभी अभी जा रहे हैं सारे। तो चलो अभी इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको भी, अभी बात करवाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। चलो तो ये देखो अभी हमारे साथ भाई आज, तो ये भी यहाँ पे थे लेकिन हमने सोचा इसको भी लाएंगे साथ साथ में। तो ये देखो अभी, तो यहाँ पे है शाहिद साहब, तो इंशाल्लाह इसके साथ भी अगर हो सके तो बात करवाएंगे। तो ये देखो अभी टूरिस्ट के साथ बात हो रही है। तो पहले आपका कश्मीर में खैर मकदम है, आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ से हैं? मेरा नाम राहुल है और मैं अलवर से हूँ। तो किन किन के साथ? राजस्थान से। जी जी, तो किन किन के साथ कश्मीर आए हैं? हम लोग 4 लोग आए हुए हैं और ये मेरे फ्रेंड है, हम सब लोग बैंकर है। जी जी जी, हम सब बैंक में जॉब करते हैं। आपका कश्मीर में बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू सो मच। तो कितने दिनों से सर आप कश्मीर में हैं? हमने 24th को लैंड किया था यहाँ पे कश्मीर एयरपोर्ट पे, और 24th के बाद से हम इधर ही घूम रहे हैं। मतलब सबसे डे वन हमारा कश्मीर में था, श्रीनगर में, और सेकेंड डे हमने कवर किया था गुलमर्ग, और थर्ड डे हमारा श्रीनगर हॉल्ट था, और फोर्थ डे हम पहलगाम हमने स्टे किया था। तो कश्मीर में आप इतनी सारी जगहें घूमे हैं, सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी जगह कौन सी लगी? कश्मीर की सबसे अच्छी जगह तो मैं कहूँगा कि अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, बोले तो ये जो जगह है सिंथन टॉप, सिंथन टॉप जो जगह है वो बेसिकली कश्मीर की सबसे प्यारी जगह लगी मुझे। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या है कि कश्मीर में जैसे हम लोग राजस्थान से आए तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें झरने भी मिलेंगे, पहाड़ भी मिलेंगे, बर्फ़ भी मिलेगी, ठंडी जगह भी मिलेगी। तो श्रीनगर एयरपोर्ट पे जब हमने लैंड किया था तो ऐसा कुछ था नहीं, बेसिकली गर्मी थी। लेकिन यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड भी जॉब करते हैं, तो उन्होंने बताया कि सिंथन टॉप बहुत अच्छी जगह है, और वाकई यहाँ पे झरने भी हैं, पहाड़ भी हैं, बर्फ भी है, सब कुछ है यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ हियर। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि अनंत ये सिंथन टॉप मस्ट विजिट प्लेस है, मस्ट विजिट। एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान और कश्मीर में आपको क्या चीज़ें डिफरेंस लगी और क्या आपको सिमिलरिटीज लगी? दोनों में, दोनों अलग अलग जगह हैं, राजस्थान की अपनी अलग खूबसूरती है और कश्मीर की बिल्कुल अलग। सो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि राजस्थान में क्या अच्छा नहीं है, क्योंकि राजस्थान इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटिफुल प्लेस, वो राजाओं का गढ़ है बेसिकली, आपको किले मिलेंगे वहाँ पे, फोर्ट्स मिलेंगे आपको, और भी कई सारी चीज़ें हैं। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, सो जयपुर एक अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है, और कश्मीर के तो कहने क्या, विद एडिंग ऑन यहाँ पे लोग बड़े खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं, लोग बड़े खूबसूरत हैं, उनके उनके जो मिलना जुलना है, बड़ा उनका जो स्वभाव है, दोस्ती का तरीका है, बहुत बहुत अच्छा तरीका है, बहुत इम्प्रेस हुए। सिंथन टॉप मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड प्लेस विच इज़ येट टू बी एक्सप्लोर्ड, तो प्लीज़ यहाँ पे प्लीज़ आप आएँ, बहुत आपको इन्जॉय करोगे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी हैं सिंथन टॉप पर आप कर सकते हो, बहुत अच्छी जगह है, तो प्लीज़ विज़िट कर सकते हैं। और यही वो जगह है जहाँ पे हमें बर्फ मिली थी एक्चुअल में। तो हमें सर ये बताएं कि अगर आप रेटिंग देना चाहते हो तो कितना आप देते? 5 out of 5 मैं दूंगा। अच्छा, 5 सिंथन टॉप डेक्स, सिंथन टॉप और डेक्स। थैंक यू सर। तो इंशाल्लाह बाकी दोस्तों को भी आप मैसेज दीजिए कि यहाँ पे आ जाए। 100% बिकॉज मेरा अभी एक मेरा कजिन भी अभी विजिट कर रहा है, तो आज वो लैंड करेगा श्रीनगर, तो मैंने उसको भी सजेस्ट किया है कि भाई इधर तो आना ही है, आना तो मस्ट विजिट।
बिल्कुल, थैंक यू सर। तो गाइज़ अभी आप सब लोगों ने देखा, तो यहाँ पे देखो अभी कितने टूरिस्ट सारे रुके हैं। तो ये आप देख सकते हो अभी, तो जिनको हमने पूछा था अभी कि आपको सिंथन टॉप और डेक्सम कैसा लगा, तो ये है जाकिर भैया और बाकी यहाँ पे सारे। तो अभी इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको भी, और यहाँ पे देखो टेंटिंग और कैंपिंग। तो अभी हम ऐसे ही आ गए थे यहाँ पे, लेकिन मुनासिब यही समझा कि हम अपने दोस्तों को थोड़ा दिखाएंगे। तो ये रेटिंग हमें देते हैं यहाँ सिंथन टॉप डेक्सम को 5 में 5%। तो इंशाल्लाह चलो अभी दिखाएंगे। तो जनाब अभी यहाँ पे हमें देखो कौन सी शख्सियत मिली है। तो यहाँ पे सुहेल पंडिता जी हमें मिले, तो यहाँ पे ऑलरेडी रुके हुए थे। हमने सोचा इनके साथ थोड़ा बहुत आप लोगों को भी बात करवाएंगे थोड़ा बहुत। तो आज ईद भी है, पहले हम ईद का मुबारकबाद इनको दे रहे हैं। मेरे तरफ से भी आपको भी जो है बहुत बहुत बधाइयां, खुशियां, ईद मुबारक का है। ये जो है ईद जो है आज हम पहली बार नहीं मनाते हैं। मुझे याद है कि जब हम कश्मीर से निकले थे तब भी जो हमारा एक उसूल था आपस में, जो एक भाईचारा था, अगर हमारी शिवरात्रि हुआ करती थी, जैसे हमारे अल्ताफ भाई जो है इस साल हमारे घर पर जो है शिवरात्रि के मुबारक पर आए थे, और मैंने इनको बोला था भाई ये परंपरा हमारी चलनी चाहिए। आज मैं इनके पास पूरा परिवार लेकर जो है अपने तरफ से जो है ईद मुबारक देने के लिए आया हूँ। चलो इंशाल्लाह ये यूट्यूब पे हमें वीडियो जाएगा, तो इनके लिए जो हमें अपने ऑडियंस या अपने लोग देख रहे हैं यहाँ पे फैमिली, तो उनको भी क्या मैसेज देना चाहता हूँ मैं, उनको भी आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ पूरे देश भर, पूरे मुल्क पर, पूरी दुनिया पर जितने भी अपने मुसलमान बरादरी है, उनको मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत बधाई है ईद मुबारक।